अगर भारत T20 विश्व कप नहीं जीता तो कोहली को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम ने बीते ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-1 की ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने मुख्य खिलाड़ियों की चोट और नस्लभेदी टिप्पणी जैसे कठिन पड़ावों से गुजर कर एक बेहतरीन क्रिकेटिंग करैक्टर दिखाया। इस सीरीज के दौरान पहले टेस्ट के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली प्रीतत्व अवकाश के चलते स्वदेश वापस लौट आए थे। इसके बाद उप कप्तान जीके रहाणे ने आगे के 3 टेस्ट में टीम की कमान संभाली। पहले टेस्ट में विराट की कप्तानी में हार और अगले 3 टेस्ट में टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद एक बार फिर से भारतीय टीम की कप्तानी को लेकर बहस शुरू हो गई है। भारतीय टीम की 2-1 सीरीज जीत के बाद अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली को कप्तानी दिए जाने को लेकर चली आ रही बहस एक बार फिर से तेज हो गई। पूर्व इंग्लिश क्रिकेट दिग्गज मोंटी पनेसर ने भी इस मसले पर अपनी राय दी है। पनेसर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि एक मजबूत लीडरशिप ग्रुप भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद एक सकारात्मक पहलू के तौर पर सामने आया है। इंग्लैंड के लिए लंबे समय तक अपनी स्पिन गेंदबाजी से बेहतरीन योगदान देने वाले पनेसर भारतीय टीम के कप्तानी मसले पर बोलते हुए कहा कि अगर भारत के लिए घरेलू सीरीज सवाल खड़े करते हैं या फिर भारतीय टीम T20 विश्व कप और 2023 वनडे विश्व कप नहीं जीत पाती है तो मुझे लगता है कि उनको कप्तानी छोड़नी पड़ेगी। उनकी कप्तानी दुरुस्त है मगर उनको T20 विश्व कप और वनडे विश्व कप एक ICC टूर्नामेंट जरूर जीतना होगा। मुझे लगता है विराट खेल के 3 प्रारूपों में एक सफल कप्तान रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि विराट कोहली कप्तानी छोड़ना नहीं चाहेंगे। उनको लगता है कि अभी बतौर कप्तान उनके पास अचीव करने को काफी कुछ है और कुछ रिकॉर्ड वो तोड़ सकते हैं। इसके अलावा पनेसर ने इस बात को भी खास तौर पर बताते हुए कहा कि कप्तान के तौर पर विराट कोहली का सर्वश्रेष्ठ निकल कर सामने आता है। पूर्व भारतीय सीनियर कप्तान MS धोनी से कप्तानी मिलने के बाद विराट का व्यक्तिगत खेल भी काफी निखर कर सामने आया है। इसी सिलसिले में पूर्व इंग्लिश दिग्गज का मानना है कि मौजूदा भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे को कप्तानी तभी सौंपेंगे जब उन्हें लगेगा कि अब बतौर कप्तान ज्यादा कुछ हासिल करने को बचा नहीं है। पनेसर ने कहा कि मुझे लगता है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो सोचेंगे कि क्या बतौर टेस्ट कप्तान मैंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके बाद वो अजिंक्य रहाणे को कप्तानी देकर बतौर बल्लेबाज खुद को ग्रूम करने पर जोर देंगे। लेकिन ये किसी भी खिलाड़ी का व्यक्तिगत फैसला होता है। मुझे लगता है कि बतौर खिलाड़ी वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।